राष्ट्रीयकरण के बाद आज तक कोई भी सरकारी बैंक ऐसा नहीं है कि जो आज तक बैंक डूबा हो, और कितने प्राइवेट बैंक विफल हो गए। घर घर जाएंगे और लोगों को बताएंगे ये बैंक बेचने वाली सरकार है, बैंक बेचने वाली सरकार, अगर आपको चाहिए तो इनको वोट दीजिए वरना मत। बैंक कर्मियों का हड़ताल का आज पहला दिन है। जो राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी हैं करीब 10 लाख, उनके जो 2 दिवसीय हड़ताल है उसका आज पहला दिन है। और मैं अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूँ। अगर आप मेरे पीछे देख पाए तो जो कर्मचारी हैं सरकारी बैंकों के, ये इनकी रैली निकाली जा रही है। सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हम हैं आज। उन्होंने बैंक के निजीकरण का एक बिल लेकर के आने वाले हैं वो इसी सेशन में, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। निजीकरण बैंक का हम होने नहीं देंगे, ये हमारी मांगे हैं। बैंक का निजीकरण बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मोदी जो भी कर रहा है सब बिल्कुल गलत कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने ये बताई थी, क्या नुकसान होगा, थोड़ा शब्दों में बताइए इसको। देखिए, हमारे जो पब्लिक है उनका पैसा हमारे बैंक में है, ठीक है। आपने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ है, पीएमसी की बात कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, वैसे ही सारी इन लोगों की कोशिश है, ये गंदगी फैला के रखी हुई है। देश की आम जनता ने इन पब्लिक सेक्टर बैंक को अपने पूरे ट्रस्ट के साथ 157 लाख करोड़ रुपए जमा करके दिया। उस पर पूंजीपतियों की नज़र है कि सरकार बैंकों को पूंजीपतियों को छोड़ देगी। नतीजा ये होगा, जो 69 से पहले एक इंडस्ट्री को फाइनेंस होता था, बैंक डूब जाता था इंडस्ट्री के डूबने से। हम वो नहीं होने देंगे। बहुत से नीरव मेहता आए चले गए, लेकिन हमारे बैंक अपनी जगह पर टिके हुए हैं और उसमें सरकार के योगदान के बिना टिके हुए। गवर्नमेंट यही चाहती है कि वो अपने चाहने वालों को जो उनके अंडर में उनके कहने के हिसाब से काम करे, उनको नौकरी दे, सो दैट कि वो उनकी किसी भी गलत नीति का या किसी भी गलत बात का विरोध ना कर सके और वो अपनी मनमानी कर सके और जितने मन उतने चाहे लोन पूंजीपतियों को दे सके, जिससे कि उनका अगर बिजनेस ठप हुआ तो बैंक ठप हो जाए, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा गवर्नमेंट को। बट ये हमारे बिल्कुल भी हमारे लिए भी नुकसानदायक है और हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। सरकार कॉर्पोरेट लोन्स को छूट पे माफ करती जा रही है, 1% पे छूट हो रही है। एयरसेल मैक्सिस में 2000 करोड़ का लोन 150 करोड़ में सेटल हो जा रहा है और लोग बोल नहीं रहे हैं। आप एक बात बताइए, मैं किसी को 2000 रुपये दूँ और वो कहे कि मैं तुमको अब 150 रुपये दूंगा और 5 साल में दूंगा किस्त। ये सरकार 20,000 करोड़ के लोन को 1% से भी कम में माफ कर रही है। हजारों हजार करोड़ के, लाखों लाख करोड़ों के लोन सेटल हो रहे हैं NCLT के माध्यम से, इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये सरकार निकम्मी है, निकम्मी है। बैंकों को बेचने जा रही है सरकार, तमाम डिपार्टमेंट बेच चुकी है, लेकिन अब बैंकों के नंबर आ गए। अभी इन्होंने थ्रू का पत्ता नहीं खोला है कि कौन सी दो बैंक ये बेचेंगे। अगर ये स्ट्राइक हो रही है, हम नोटिस हो रहे हैं, बैंक यूनियन के साथ में है और यूनाइटेड फोरम ऑफ RRB यूनियन जो हमारी है, पूरे हिंदुस्तान में ग्रामीण बैंकों की ज्वाइंट फोरम है, वो भी इसको पूरा अपना समर्थन दे रही है। इसीलिए आज हम लोग सभी आपके साथ हैं। अगर इस तरीके से किसी भी दो बैंकों को ये बेचेंगे तो अगला बैंक हमारा भी हो सकता है। बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट बैंक है। अगर इन बैंक को सरकार प्राइवेट करेगी तो आप बताइए, वो गांव गांव में, छोटे छोटे गांव में जहां पब्लिक को 100 रुपये निकालने के लिए बैंक में जाना पड़ता है, अपनी पासबुक छापवानी पड़ती है, क्या प्राइवेट बैंक ऐसा करेंगे? क्या उन गरीब लोगों को इस तरीके की स्थिति को मुहैया कराएंगे? आज आप देखिए, एक प्राइवेट बैंक में खाता खोलने के लिए मिनिमम 10,000-20,000 बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। इस तरह तो PSB बैंक किसी को लोन देते हैं कि तुम मुद्रा लोन लो 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख का, लेकिन स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। हमारे बच्चों का कैरियर कहाँ जाएगा, नौकरी नहीं बचेगी। आज बैंकों को छोड़िए, कोई भी पब्लिक सेक्टर की चीजें नई स्थिति बची हुई है। किसी भी प्राइवेट बैंक ने जीरो बैलेंस का खाता नहीं खोला और सरकार की जो योजना थी वो ये थी कि गांव गांव तक बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाया जाए और एक एक जो हमारा आम आदमी है उसको बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो। तो अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो जो जीरो बैलेंस का खाते हैं वो तो खुलेंगे नहीं। बाकी जितनी सरकारी योजनाएँ जो आज की तारीख में केवल सरकारी बैंक हैं, कहीं पे भी आप प्राइवेट बैंक में चले जाइए, कोई किसान कार्ड योजना देने के लिए तैयार है, कि कोई छोटे लोन देने के लिए तैयार है। 5,000 से नीचे कोई बैंक प्राइवेट बैंक वाले खाते नहीं खोलते, जो हमारे जीरो बैलेंस 100 रुपये में लोन जाते हैं लोन। तो ये सब सुविधाएं से जो हमारी आम जनता है वो वंचित रह जाएगी। निजीकरण बहुत ही गंदा वर्ड है,
जो सरकार ये लेके आ रही है और इस आंदोलन को हम लोग कर रहे हैं और इसको आगे जारी रखेंगे। अगर ये बिल वापस नहीं लेती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल तक जाएंगे। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये कहा है कि अगर ये हड़ताल को क्या कहते हैं बिल को वापस नहीं लेंगे तो हम इसको अनिश्चितकालीन हड़ताल तक ले जाएंगे। इस हड़ताल में जैसे हमारे पुरुष साथी हैं उसी के साथ महिलाएं साथी भी पूरा दम थम लगा के साथ में ऐसा कंधे से कंधा मिला के हम लोग भी इस हड़ताल में शामिल हैं। अनिश्चित